बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और इसने कमाई के मामले में एक बार फिर अपनी बादशाहत दिखाई है। बीसीसीआई ने 5 सालों के दौरान 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। वित्त वर्ष 2018 से लेकर 2022 के 5 सालों के दौरान बीसीसीआई को कुल 27,411 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व हासिल हुआ है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस बात की जानकारी राज्यसभा में दी। राज्यसभा में जानकारी देते हुए पंकज चौधरी ने बताया कि बीसीसीआई को ये कमाई मीडिया राइट्स, स्पॉन्सरशिप और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के रेवेन्यू शेयरों के जरिए हासिल हुई है। पंकज चौधरी ने शिवसेना के सांसद अनिल देसाई के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। अनिल देसाई ने संसद में सवाल पूछा था कि क्या केंद्र सरकार इस बात से वाकिफ है कि बीसीसीआई दुनिया का दूसरा सबसे धनी खेल संस्थान है। इसके अलावा उन्होंने सरकार से पिछले 5 सालों में बीसीसीआई की आमदनी, खर्चे और टैक्स डिटेल्स के बारे में भी जानकारी देने का आग्रह किया था। बीसीसीआई ने इन 5 सालों में अच्छा खासा टैक्स भी अदा किया है और इसका आंकड़ा 4,298 करोड़ रुपए का रहा है। बीसीसीआई ने इन 5 सालों के दौरान 15,170 करोड़ रुपए का खर्च दर्शाया है। बीसीसीआई ने वर्ष 2018 में 2,917 करोड़ रुपए का राजस्व दिखाया था, जो वित्त वर्ष 2022 में उछलकर 7,606 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। इसके पीछे मुख्य रूप से आईपीएल और भारतीय क्रिकेट के मीडिया राइट्स के दाम में आया उछाल वजह रही है। बीसीसीआई की कमाई वित्त वर्ष 2024 में और अधिक ऊंचाई पर जा रही है, क्योंकि इसने डिज्नी स्टार और वॉयकॉम 18 के साथ 5 सालों के लिए 48,390 करोड़ रुपए की डील साइन कर ली है। 5 सालों के लिए आईपीएल मीडिया राइट्स के अलावा इसमें कुछ और सौदे भी शामिल हैं। साल 2017 में बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग के मीडिया राइट्स 16,147 करोड़ रुपए की भारी भरकम कीमत में स्टार इंडिया को बेचे थे, जो आज डिज्नी स्टार के रूप में जाना जाता है। ये राशि दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ी, क्योंकि साल 2008 से 2017 के 10 सालों के दौरान इन्हीं आईपीएल राइट्स को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क को 8,200 करोड़ रुपए में बेचा गया था। तो यानी बीसीसीआई इन सारे तरीकों से खूब पैसे कमा रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।